हाय बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोज को लाइक शेयर कर देना। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज है टॉपिक सोइंग। सोइंग यानी कि बीज बोना, ठीक है? तो बीज बोना आज का टॉपिक है, कैसे बीज बोना चाहिए, है ना, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं इसमें। और ये आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो चैप्टर है फर्स्ट क्लास 8 का, उसका टॉपिक है, ठीक है? तो इसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सेशन को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को थोड़ा भी हेल्प मिले तो शेयर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, ठीक है? सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन का जो पार्ट होता है उसमें से सोइंग जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। बिकॉज सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड, ठीक है? और जब बीज बोना होता है उससे पहले हमें गुड क्वालिटी और साफ और साथ ही साथ हेल्दी सीड्स और साथ ही साथ वो अच्छी वैरायटी के हों वैसे ही सीड्स को चुनना चाहिए। कैसे सीड्स को? ऐसे सीड्स को जो गुड क्वालिटी के हों, साफ हों, हेल्दी हों और साथ ही साथ गुड वैरायटी के हों, वैसे सीड्स को यानी वैसे बीज को हमें चुनना चाहिए। क्या करने के लिए? बोने के लिए, ठीक है? फार्मर प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड्स। और जो फार्मर है वो प्रेफर करते हैं वैसे सीड को चुनना जो ज़्यादा यील्ड दे, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन दे, ज़्यादा उत्पादन दे, ठीक है? तो ये बात हो गई यहाँ। अब इधर चलते हैं सिलेक्शन ऑफ सीड्स। तो यहाँ देखिए कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है? आर देयर सीड विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या कुछ ऐसे भी सीड हैं जिनको पानी में डालने पर तैरने लगते हैं? देखिए पानी में डाल करके आप देखिए सीड्स को, ठीक है? जब बोना होता है उससे पहले क्या कीजिए, सीड्स को पानी में डाल दीजिए, ठीक है? और पानी में डालिएगा तो कुछ जो है सीड ऐसे भी होंगे जो पानी के ऊपर तैरने लगेंगे। और वो क्यों तैरते हैं? क्योंकि वो डैमेज्ड होते हैं, उनको अंदर से खोखला कर देते हैं कुछ कीड़े मकोड़े खा करके। तो वो यूज नहीं किए जाने चाहिए किसमें, आपके सोइंग में, यानी कि उसको बोना नहीं चाहिए, ठीक है? उनको निकाल देना चाहिए, ठीक है? अगला देख लेते हैं आगे क्या करें। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हाई हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन। तो ये जो तरीका है बहुत ही बढ़िया तरीका है सेपरेट करने का, अलग करने का, अच्छे बीज को और स्वस्थ बीज को डैमेज्ड बीजों में से। कौन? पानी में डाल करके। पानी में डालिए जो तैरने लगा वो डैमेज है, जो नीचे बैठ गया वो सही सीड है, तो उसको उपयोग में लाइए, ठीक है? बिफोर सोइंग, बोने से पहले वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। तो बोने से पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ टूल्स को जिनके थ्रू हम लोग बो सकते हैं बीज को, ठीक है? देख लेते हैं ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल जो होते थे पहले के ज़माने में जो यूज होते थे, जो बैल के पीठ, मतलब बैल के द्वारा जो खेत में बोए जाते थे बीज इसके सहारे, तो वैसे टूल्स के बारे में पहले पढ़ते हैं। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज सेप्ड लाइक फर्नेस। जो बीज बोने वाला ट्रेडिशनल टूल होता था वो कैसा होता था? फनल की तरह ऐसे होता था, ठीक है? फनल की तरह होता था, इसमें बीज डाल दिया जाता है, ठीक है? ठीक है, द सीड्स आर फिल्ड इन टू द फनल। इसमें डाल दिया जाता है पास डाउन थ्रू टू और थ्री पाइप्स हैविंग शार्प एंड। और ये जो है पाइप दो या तीन पाइप से होकर के जाता था नीचे, और आपका क्या होता था उसका एंड जो होता था नीचे वो शार्प होता था, ठीक है? शार्प जो एंड होता था वो कैसा होता था? शार्प होता था, ठीक है? दीज एंड्स पियर्स इन टू द सॉइल एंड प्लेस सीड देयर। और ये जो है जमीन को खोद देते थे, जो पियर्स आपके जो ये एंड होते थे किसके एंड, तो जो पाइप यूज होता था ना, जो पाइप यूज होता था उसके एंड में ऐसी प्लेट लगाई जाती थी आयरन की जो उसको खोद दे जमीन को और उसी में बीज को डाल दे, ठीक है? खोदे हुए भाग में, ठीक है? तो ये बात है कि क्या होता था, द सीड्स आर फिल्ड इन टू द फनल। फनल में बीज डाल दिए जाते थे, ठीक है? और उनको पाइप से दो तीन गुजारा जाता था, नीचे लाया जाता था, और नीचे जो एंड होता था पाइप का वो हल जैसा होता था, जोतने वाला होता था, ठीक है? और उस
वो आगे जुटते जाता था, नीचे से बीज, ऊपर से बीज गिरते जाता था और वो उसी में बीज बोआ जाता था। ठीक है, तो ये बात होती है। ठीक है, जो गड्ढे होते थे उसमें बीज बोआ जाता था। ठीक है, बीज की बुआई हो जाती थी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये है आपका सी ड्रिल। ठीक है, वो ट्रेडिशनल वाला नहीं बनाया है, लेकिन सी ड्रिल देखिए ये जो होता है, इसमें ये हल है जोतने वाला। ठीक है, यहाँ से ये जोत रहा है और यहाँ से बीज गिर रहा है नीचे, यहाँ से। तो उसी तरह से उसमें भी होता है, ट्रेडिशनल जो यूज किया जाता था टूल, ठीक है, बीज बोने के लिए, उसमें भी ऐसा होता था, यहाँ ऐसे होता था। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे कुछ होता था जहाँ से फनल में से बीज आता था और यहाँ गिर जाता था, ये जोत दिया ये वाला भाग और यहाँ पे बीज गिर गया। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेडिशनल में होता था। ठीक है, जो पाइप के सहारे बीज आते थे नीचे ऊपर से, और वो खेतों में जहाँ जहाँ हल जोतते जाता था वहाँ नीचे उसमें बीज गिरते जाते थे और फिर मिट्टी से उसको ढक दिया जाता था। ठीक है, अब सीड ड्रिल देख लेते हैं। नाउअडेज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग। आज के युग में सीड ड्रिल को ही उपयोग में लाया जाता है बीज बोने के लिए। ठीक है, और इसको किसके सहारे चलाया जाता है, इस सीड ड्रिल को तो चलाया जाता है आपको ट्रैक्टर के सहारे। किसके सहारे, ट्रैक्टर के सहारे इसको चलाया जाता है। ठीक है, ट्रैक्टर के सहारे चलाया जाता है सीड ड्रिल को। ठीक है, दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस। और ये जो है बीज को बोता है इक्वल डिस्टेंस पे ना, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे ना, और यूनिफॉर्मली मतलब समान जगह छोड़ छोड़ के, स्पेस छोड़ छोड़ के बीज बोता है, और साथ ही साथ बीज भी एक ही संख्या में रहता है, मतलब एक या दो जो गिरा वही इतना ही गिरते जाता है आगे भी। ठीक है, यानी कि कैसा होता था, दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे समान रूप से बीज गिराते जाता था। ठीक है, एंड डेप्थ जो गहराई होती थी उसमें बीज गिराते जाता था और उस समान दूरी पे बीज गिराते जाता था। ठीक है, कौन, सी ड्रिल्स, सी ड्रिल मतलब जो करता है वो बीज जो है गिराता है, वो समान दूरी पे गिराता है, यूनिफॉर्मली ये जो है बीज को बोता है। ठीक है, इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और ये भी निश्चित करता है कि जो आपका बीज है वो ढक जाए बोने के बाद, ठीक है, मिट्टी से, ठीक है, कवर हो जाए मिट्टी से, ऊपर से मिट्टी पड़ जाए उस बीज पर, ठीक है, जो उसमें बो दिया गया है गड्ढे में। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बींग ईटन बाय बर्ड्स। और ये जो है बचाएगा आपके बीज को, है ना, बर्ड्स के खाने से। ठीक है, एंड सोइंग बाई यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। और बीज को बोना सीड ड्रिल से टाइम भी बचाता है और लेबर भी इसमें कम लगते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग पहुंच जाते हैं, तो कह रहा है कि सफिशियंट सनलाइट चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए और वाटर चाहिए मिट्टी से ना, तब जा करके जो पौधे हैं वो उगेंगे। ठीक है, एट टाइम्स ऑफ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। ठीक है, कुछ छूट गया, रुकिए यहाँ देख लेते हैं क्या छूटा है। हाँ, यहाँ छूटा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, आपको कहाँ तक बताया था, मैंने बताया था कि सोइंग जो होती है, सोइंग बाय यूजिंग सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर, लेबर और टाइम दोनों बचाता है सीड ड्रिल। ठीक है, बीज बोने में। और इसके बाद आया एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट एक ही जगह ज़्यादा ना उग जाए, एक ही जगह बीज ज़्यादा ना पड़ जाए, इसलिए हमें एक समान दूरी पर बीज को गिराना चाहिए गड्ढे में, गहराई में। ठीक है, जो जोते हैं हम लोग खेत उसमें। ठीक है, सीड ड्रिल के द्वारा। ठीक है, दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट। और इसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट्स को सही मात्रा में सनलाइट मिलती है जिससे वो ग्रो करता है, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं मिट्टी से, और साथ ही साथ पानी भी मिल जाता है ज़मीन से। वो थोड़ा दूर दूर रहेंगे तो उनको सही मात्रा में पानी, सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स
पोषण पोषक तत्व सारे मिल जाएंगे, लेकिन अगर एक ही जगह बहुत सारे हो जाएंगे तो उनको न पानी मिलेगा न सनलाइट ही उन पर पड़ेगा, एक से एक ढक गया तो नहीं पड़ेगा, और न्यूट्रिएंट्स भी उसको ज़मीन में से नहीं मिलेगा क्योंकि तो बहुत सारे पौधे हैं तो थोड़ा थोड़ा ही न्यूट्रिएंट्स वो ले पाएंगे। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, और अगर ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे प्लांट एक ही जगह उग जाते हैं तो कुछ प्लांट्स को उखाड़ देना चाहिए ताकि बाकी जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर पाए। तो आज यही सेशन हम लोग एंड करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और कल मिलते हैं, थैंक यू।